यहाँ पर जो है आप कप वगैरह लेते हैं तो काफ़ी अच्छे प्राइस में भी मिलते हैं और टिकाऊदार भी रहते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यार अभी मैं हल्द्वानी में हूँ, आज गया हुआ हूँ नुमाइश में। हल्द्वानी में नुमाइश लग चुकी है, आप लोग भी जल्दी जल्दी आ जाइएगा नुमाइश में। और अभी फ़िलहाल पार्किंग पर हूँ, पार्किंग पर गाड़ी वगैरह मैंने लगा दी है। पार्किंग शुल्क जो है 30 रुपये इन्होंने पहले ही जमा कर लिया है मेरे से। और इसके बाद हम टिकट काउंटर पर जाते हैं, वहाँ पर कैसा हो रहा वो देखते हैं। और नुमाइश जो होती है हल्द्वानी की बहुत अच्छी लगती है, तो आपको दिखाते हैं अंदर जाके। तो वीडियो में बने रहें, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पार्किंग वगैरह ऐसे फुल हो चुकी है यहाँ पे, और जगह काफ़ी है, भीड़ देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और ये कुछ बाहर की एंट्री गेट है, तो हम लोग जाते हैं टिकट लेने। और टिकट जो है 20 रुपये है, हमने यहाँ पर ना 5 रुपये में भी टिकट दिया हुआ है पहले, तो अभी 20 रुपये हो चुका है, काफ़ी महंगाई हो चुकी है। भैया एक टिकट देना। तो फाइनली हमारा टिकट आ चुका है 20 रुपये का, तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कैसा हो रहा है यहाँ पे। और बाहर से भी काफ़ी सारे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, ये देखें। तो नुमाइश में जो है बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, बच्चे लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं नुमाइश में। और ये अंदर लेके चलते हैं आपको। ये है नुमाइश यहाँ की। इस तरफ को चलते हैं, हमारा दिखाते हैं आपको कैसा है हो रहा है यहाँ पे। बच्चों के खिलौने वगैरह देख सकते हैं आप, और कपड़े वगैरह लगे हुए हैं, साथ में टेडी वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत से बैग वगैरह भी हैं। बच्चों के आइटम ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे, और लेडीज़ सामान ज़्यादा मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए। पूरे सैंडल सैंडल लगे हैं लेडीज, और बच्चों के खिलौने जैसे मैंने बताया था आपको, हर चीज़ जो है बच्चों की आइटम और लेडीज आइटम ज़्यादा लगता है। झूले वगैरह भी लगते हैं, वो चीज़ें मैं दिखाऊंगा आगे जाके आपको। यहाँ पे 30 रुपये हर माल लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है 5 रुपये हर माल, और सारे आइटम मिल जाते हैं बढ़िया। ये कुछ सजावट की चीज़ें हैं इधर, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख सकते हैं आप। घड़ी वगैरह मतलब लकड़ी के आइटम जितने भी हैं सारे यहाँ पर मिलेंगे आपको। ये फूलों के लिए 110 रुपये, बचत की यादें 10 रुपये। बाकी फ़िलहाल मैंने बताया था बच्चों का आइटम हर जगह पर लगे रहते हैं। और यहाँ पे तो सांप दिखाई दे रहा भाई मेरे को, भाई कागज का बना हुआ है और काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर रहा है। सजावट की चीज़ें मिली हैं सारे अच्छी, और कुछ ऐसा नज़ारा हो रहा है मेले का। जो हल्द्वानी का नुमाइश का मेला है ये हर साल लगता है। ये इधर को सारे झूले वगैरह लगते हैं, ये बच्चों के झूले हैं। कुछ ऐसा नज़ारा हो रहा है यहाँ का देख सकते हैं आप। और ये ट्रेन चल रही है, और इस तरफ बच्चों के छोटे छोटे झूले वगैरह तो लगे हुए हैं।
और नजारा है यहाँ का, फिलहाल काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आज शनिवार का दिन है तो भीड़ भी ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए बच्चों के झूले, और ये क्या सच झूठ, हल्द्वानी का सबसे बड़ा झूला है। तो हम लोग ना बचपन में काफ़ी ज़्यादा झूले हुए हैं इस वाले झूले पे, तो काफ़ी मज़ा आता है इसमें। और उधर ड्रैगन वाला भी है और नीचे बच्चों वाला झूला भी है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ से दृश्य जो है नुमाइश का। और चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बच्चे जो हैं ट्रेन चला रहे हैं। आते तो ये है ब्रेक डांस, और इधर लगा हुआ है आपका मिक्की माउस, और एक झूला ये भी है, ये बड़ा डेंजर है, इसको दिखाऊंगा अभी। ब्रेक डांस में काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है, देखिए वाओ ब्यूटीफुल। तरफ को सारे खाने पीने के आइटम हैं, और जो इस साइड में है इस तरफ है झूले वगैरह, और देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई में पता नहीं क्या क्या बनाया है इन्होंने, खीर वगैरह। और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है इसमें भी। तो ये क्या चीज़ है, तला पराठा, दस मिनट में फ़ोटो तैयार। बाइक के साथ खिंचवा सकते हैं, शेर के साथ खिंचवा सकते हैं फ़ोटो वगैरह, कुछ यहाँ पर ऐसा है। यहाँ पे गन शूट वगैरह हो रहा है, तो ये भी अच्छा लगता है बंदूक वगैरह चलाना। बाकी बच्चों के खिलौने वगैरह हर जगह पर मिल जाते हैं, और टैटू बनाते थे हम लोग पहले, मतलब इसमें बनती है, इसमें आप अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं आराम से, और टैटू वगैरह भी बनाते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर बनाना मत, क्योंकि आजकल सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये जो
नीडल्स आती है ना वो सब में एक यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर जो है आप कप वगैरह लेते हैं तो काफ़ी अच्छे प्राइस में भी मिलते हैं और टिकाऊदार भी रहते हैं। तो सारे कप वगैरह प्लेटें वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं नुमाइश में। कप साइड भी आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएंगे, ये देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे कप हैं वाइट कलर में। ये कप हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में रहते हैं और सालों साल चल जाते हैं। भैया कितने वाले हैं? 150 रुपए के आपको 6 कप मिलेंगे और सस्ते भी हैं, 80 रुपए के आसपास के भी हैं। कप वगैरह जो आपको मिल जाएंगे 80 रुपए से 150 रुपए तक के मिल जाएंगे। और चलते हैं आगे को और दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे आपका पाव भाजी वगैरह बन रहा है, यहाँ पे समोसे वगैरह बने हुए हैं और उस तरह भुट्टे वगैरह भी है। तो नुमाइश अभी जो है काफ़ी दिनों तक लगेगी, रक्षाबंधन तक लगेगी ये नुमाइश। तो आप लोग जब टाइम होता है तो आ जाइएगा यहाँ पे। और फिलहाल अभी जो है 9:30 हो रहा है, 10 बजे तक नुमाइश रहती है, 10 से 10:30 भी हो जाता है। और आगे को और दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। और चाबी के छल्ले वगैरह भी बनाते हैं लोग। फिलहाल जो मैंने बताया था कि बच्चों के आइटम बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे, ये स्टेशनरी का सामान मिल रहा है पूरा और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। इधर जो है लेडीज़ सामान कपड़े वगैरह तो सभी चीज़ें रहती है, 500 200 100 रुपये इस टाइप से मिलते हैं। फूल वगैरह बिक ही रहे हैं और फिलहाल मूर्तियाँ जो रहती हैं काफ़ी कम प्राइस में रहती हैं यहाँ पर। ये कितने वाली हैं? 40 रुपये भगवान जी की मूर्ति वगैरह मिल जाती है जो कि 40 रुपये में अच्छी खासी होती है। किस चीज़ के बने होते हैं? फाइबर के बने होते हैं, ख़राब भी नहीं होते जल्दी। मैं काफ़ी सारी मूर्तियां ले गया हूँ यहाँ से तो अभी भी टिकी हुई हैं, मतलब 5-6 साल पुरानी मूर्तियां भी मेरे पास अभी पड़ी हुई हैं। और इस तरफ भी सारा लेडीज़ सामान मिलता है, हर माल 90 रुपये, वहाँ पर हर माल 90 भी दिख रहा मुझे। फिलहाल आप बच्चों के गिफ्ट वगैरह जो है वो है ही, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये जो मिलते हैं 150 में 2 मिलते हैं और गाड़ी वगैरह भी है यहाँ पे, हार्ड वगैरह बने हुए हैं। तो ये 150 में 2 मिल जाते हैं, अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको 100 रुपये में 2 भी दे देंगे, ऐसा नहीं है। जूते वगैरह भी लगे हुए हैं, इस बार जेंट्स के जूते भी हैं, लेडीज भी रखा हुआ है। पर्स वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी लोग ख़रीदारी करते हैं यहाँ पे। और फाइनली यार हम लोग पहुँच चुके हैं गेट के पास और ये कैसा था के साइड लकड़ी के फर्नीचर वगैरह मिल रहा है, काफ़ी अच्छे बने हुए हैं देख सकते हैं। और ये देखें सोफिस के आइटम काफ़ी अच्छे रहते हैं, सारे लकड़ी का आइटम जो है बाहर रखा हुआ है आधा इन्होंने, गुल्लक वगैरह भी है और चाबी के छल्ले वगैरह। और ये देखिए सोफिस आइटम वगैरह बनाया गया है और कुछ बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा हो रहा है अभी का। और ये देखिए तो दोस्तों फाइनली नुमाइश से आ चुके हैं, कैसा लगा आज का ब्लॉग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।